आदेश आया है, मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कि उन्होंने आज जो आदेश पारित किया है, जो दिशा निर्देश दिए हैं, उससे अब चुनाव बहुत जल्द राजस्थान में संपन्न होंगे। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जो नोटिफिकेशन प्रदेश की सरकार ने हमारे मंत्रालय निकाला था, पंचायतों के निर्माण को लेकर, पंचायत समितियों के निर्माण को लेकर, उन सभी को वैध ठहराया है। और इससे पहले जितनी भी याचिकाएं आई हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या आपत्तियाँ हो, सबको खारिज करते हुए प्रदेश सरकार के तमाम नोटिफिकेशंस को मान्यता मिली है और निर्वाचन आयोग को कहा गया है कि वो शीघ्र चुनाव कराएं और अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने का इस तरह का दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट का आया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। लोकतंत्र में चुनाव होने चाहिए और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले लोगों के लिए ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम शुरू से कहते आए हैं कि चुनाव समय पर हों, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन आज मैं समझता हूं जीत लोकतंत्र की हुई है, जीत हम सब लोगों की जो चुनाव कराना चाहते हैं। माननीय निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, उसका मैं पूरा सम्मान करता हूँ और पहले की तरह आज मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की सरकार निर्वाचन आयोग का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, पूरी मदद करने के लिए तैयार है। जो भी संसाधन उनको चाहिए जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव कराने के लिए, वो सब उपलब्ध कराने के लिए हम पहले भी तत्पर थे और आज भी तैयार हैं। हम लोगों ने जो चुनाव हो रहे हैं, आप जानते हैं सरपंचों के चुनाव चल रहे हैं और एक तरह का क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया था तो विलम्ब होने की आशंका थी, लेकिन अब सारी बातों पर विराम रखकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। यही स्पष्टता 8 जनवरी को भी दी गई थी जब हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को खारिज किया गया था, लेकिन आज जब तमाम बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव अप्रैल तक संपन्न कराने हैं। मैं समझता हूँ एक अच्छा निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि जिला परिषद के प्रमुख और पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव अब बहुत जल्द हो जाएगा। कि डेट, इलेक्शन का शेड्यूल, इलेक्शन की प्रक्रिया, ये कार्य क्षेत्र निर्वाचन आयोग का है। प्रदेश की सरकार हमेशा से आयोग का सहयोग करती आई है और करती रहेगी। मैं पूरा मान सम्मान उनका करता हूँ और हम चाहते हैं कि हम सबका जो सामूहिक ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा लक्ष्य है, वो चुनाव संपन्न हो, लोकतंत्र मजबूत हो, ताकि प्रधान प्रमुख चुनकर गाँव की सरकार बन सके। और मैं तो चाहता हूँ कि जो चुनाव नहीं भी हुए, चाहे वो नगर निगम के हैं, जयपुर के, जोधपुर के, कोटा के, वो चुनाव भी जल्दी हों, ताकि हर जगह चुनाव समय पर होते रहें। ये मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग की वो संस्था जो चुनाव कराता है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में था, ऐसे बहुत से लोग थे जो शायद ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि चुनाव और पोस्टपोन हो जाएंगे, लेकिन चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जल्द हो रहे हैं। तमाम तरह की बातों पर अब विराम लग चुका है और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सही निर्णय लिया जिसकी हमको उम्मीद थी।